अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस और जनरल साइंस पास्ट पेपर पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं शेयर करता हूँ ना, ये मैंने पास्ट पेपर से कलेक्ट किए हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है, जो जितने भी टेस्ट गुजर चुके हैं ना, उसमें ये एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर जो है ना, मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ, जिसमें से बेसिक मैथमेटिक है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस एंड जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ होंगे, और इंग्लिश में ग्रामर ग्रामर यूसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की एमसीक्यूज़ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना, हम पार्ट सेकेंड से स्टार्ट लेंगे। ये है एवरीडे साइंस पास्ट पेपर पार्ट सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 50 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन से वो जो पार्ट फर्स्ट है ना, वो देख सकते हो। उसमें मैंने 50 एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो आज जो है ना, हम 51 से स्टार्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 51 है। आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन विच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। आइंस्टाइन का जो वो फेमस इक्वेशन है, जिसमें उसने कहा था कि मास और एनर्जी क्या है, इंटरचेंजेबल है, तो वो कौन सा इक्वेशन था? तो फ्रेंड्स, इसके चार ऑप्शन है, तो हम सिर्फ जो है ना, वो करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए आता है, इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। वो इक्वेशन था जिस वो फेमस इक्वेशन था आइंस्टाइन का, जिसमें उसने कहा था कि मास और एनर्जी जो है ना, ये इंटरचेंजेबल है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एस आई यूनिट जो है ना इलेक्ट्रिक करंट का, तो वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी आता है, एम्पेयर। एम्पेयर जो है ना, ये क्या है? एस आई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। क्वेश्चन नंबर 53 है, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज अ। तो इसमें ऑप्शन डी आता है, नाइट्रोजन। ये क्या है? प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ का, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज ड्राई आइस? खुश्क आइस। ड्राई आइस क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी आता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ड्राई आइस है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर जो है ना, वो कौन कौन से कलर है? तो इसमें ऑप्शन बी आता है, रेड, येलो एंड ब्लू। रेड, येलो एंड ब्लू क्या है? प्राइमरी कलर्स है। क्वेश्चन नंबर 56 है, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द। डाइजेशन जो है ना, फूड का, जब फूड हम कर लेते हैं तो वो फुली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? तो इसमें ऑप्शन ए आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना, वो खुराक पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन। कैरेट किस चीज़ को कहते हैं? गाजर को कहते हैं। गाजर जो है ना, वो उसमें कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो इसमें ऑप्शन ए आता है, विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? गाजर में, कैरेट में मौजूद होता है, और विटामिन ए जो है ना, ये जो हमारी नज़र है ना, उसके लिए क्या है? बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब जब इंसान में विटामिन ए की कमी होती है ना, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है ना, मतलब पैर उसको रात को दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो है ना, कैरेट जो है ना, ये एक गुड सोर्स है ऑफ विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 58 है, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ ब्लैंक इज एसेंशियल। टीथ के लिए प्रॉपर फॉर्मेशन, जो टीथ के लिए है, दांतों के लिए, तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट जो है ना, वो ज़रूरी है? तो इसमें ऑप्शन सी आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ एसेंशियल, मतलब ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक काजेज लॉस ऑफ एपिटेट एंड पोअर ग्रोथ। किसकी डिफिशियंसी से जो है ना, वो इंसान को भूख नहीं लगती और उसका जो ग्रोथ है ना, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब वो पैर ग्रो नहीं करता सही तरीके से। तो इसमें ऑप्शन ए आता है, जिंक। डिफिशियंसी ऑफ जिंक काजेज लॉस ऑफ एपिटेट एंड पोअर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 60 है,
मेटरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मेटरोलॉजी किस चीज़ को स्टडी कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी को क्या कहते हैं? मेटरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज, तो इसमें ऑप्शन ए आता है 0.039%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर ऑफ फिजा में मौजूद है वो कितना, कितने वॉल्यूम के लिहाज से कितना मौजूद है, तो इसमें ऑप्शन ए आता है 0.039%। क्वेश्चन नंबर 62 है, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, डायमंड जो है ना ये किस चीज़ का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो इसमें ऑप्शन ए आता है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 63, द SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट जो है ना ऑफ हीट इज, हीट का SI यूनिट क्या है, तो इसमें जूल आता है, जूल इज द SI यूनिट ऑफ हीट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए आर, विटामिन ए का जो गुड सोर्स है तो वो क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी ये विटामिन ए होता है, मतलब जो ग्रीन जो वेजिटेबल होते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसमें विटामिन ए मौजूद होता है, और कैरेट में भी विटामिन ए मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो सबसे गुड सोर्स है तो वो क्या है, तो इसमें सीड्स आते हैं, बीज जो होते हैं ना उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स मौजूद होता है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी आर, विटामिन सी का जो गुड सोर्स है मतलब विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है, कौन से वेजिटेबल में पाया जाता है, तो फ्रेश वेजिटेबल, जो फ्रेश वेजिटेबल होते हैं, एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल में किया पाया जाता है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन आर, आयोडीन जो है ना उसका गुड सोर्स क्या है, मतलब कहाँ पर पाया जाता है आयोडीन, तो इसमें ऑप्शन डी आता है सी फूड्स, सी फूड समंदर का जो फूड्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, तो इसमें ऑप्शन डी आता है सी फूड्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, द गैस कॉमनली नाउन एज लाफिंग गैस, वो गैस जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, तो ईजा, तो इसमें क्या आता है, ऑप्शन सी आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसे क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ऑक्साइड पर मौजूद होता है, सॉरी मुश्तमिल होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। 69 है, क्वेश्चन नंबर 69, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में ज़ाय तालीफ क्या करते हैं, कौन से मतलब प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस ज़ाय तालीफ, तो उसमें से जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है तो वो क्या है, तो वो है वाटर, तो इसमें ऑप्शन ए आता है वाटर, मतलब वाटर से जो है ना वो ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड, वाइंड स्पीड को मालूम करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए आता है एनेमोमीटर, एनेमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, हवा का जो स्पीड है उसको मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनेमोमीटर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ, नेचुरल फैट्स जो चर्बी होती है और ऑयल जो होते हैं ना वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, तो इसमें ऑप्शन आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 72 है, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर इन, एनर्जी वैल्यू जो है ना फूड का, तो वो हम किस कैसे मेजर करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी आता है कैलोरीज, कैलोरीज के फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं, नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी इज, तो इसमें ऑप्शन सी आता है काइनेटिक एनर्जी, वाइंड एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ मेटरोलॉजी, मेटरोलॉजी को किसने दरियाफ्त किया था, तो इसमें ऑप्शन ए आता है अरिस्टोटल, अरस्तो ने क्या किया था, फाउंड किया था मेटरोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 75 है, वाटर कवर्स 71%, ऑप्शन सी इसमें आता है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब 71% पर जो है ना पानी मौजूद है अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन जनरल विंड स्पीड
ऑफ 105 टू 137 काज डाउन, मतलब जनरल में जो वाइंड का स्पीड होता है ना 105 से लेकर हवा का जो स्पीड होता है 105 लेकर 107 तक, ये क्या काज करता है? तो इसमें ऑप्शन ए आता है माइनर आर नॉट मेजर, मतलब जब वाइंड का स्पीड 105 से लेकर 137 तक होना तो ये कोई जो है ना डैमेज काज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 77 है, एसिड रेन इज मेनली कास्ड बाई एमिशन ऑफ ब्लैंक इन द एटमोसफेयर, तो इसमें ऑप्शन डी आता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो तो एसिड रेन इज मेनली कास्ड बाई एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की एमिशन से जो है ना वो एसिड रेन काज होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग द वाटर ऑन द अर्थ एंड एटमोसफेयर इज ऑक्सीजन, तो इसमें क्या आता है ऑप्शन आता है ऑक्सीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, फोर्थ स्टेट जो है ना मैटर का तो वो क्या है, तो इसमें ऑप्शन डी आता है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 80 है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इंटू डायरेक्ट करंट, वो डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, वो डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप्ड, मतलब रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्यों होता है, खुराक तैयार करने के लिए, और खुराक कब तैयार करते हैं प्लांट्स, तो वो दिन के वक्त तैयार करते हैं जब जो है ना सनलाइट मौजूद हो, और रात के वक्त सनलाइट मौजूद नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस जो है ना वो स्टॉप होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप प्लांट्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ऑप्शन सी आता है, जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट्स जो है ना वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन के वक्त जो है ना वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये नुकसानदेह है, इसलिए कहते हैं ना कि रात के वक्त प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, उससे जो है ना मौत काज हो सकती है, क्योंकि प्लांट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ब्लैंक्स आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसमें ऑप्शन ए आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर मौजूद होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इस तरह का सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर जो है ना ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि ये जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के लिए, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेज, वो कौन सी कंट्री है जिसमें जिस पर इक्वेटर जो है ना पास हुआ है, तो इसमें केन्या आता है, ऑप्शन ए केन्या। इस केन्या का कैपिटल जो है ना नैरोबी है, नैरोबी क्या है, कैपिटल है केन्या का। क्वेश्चन नंबर 84, कपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, कपर को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय, तो इसमें ऑप्शन ए आता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए हम कपर को गोल्ड में सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, द थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए जो थ्री एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो कौन कौन से है, तो इसमें ऑप्शन ए आता है एन पी एंड के। एन का एन किस चीज़ का एब्रिविएशन क्या है, तो नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटाशियम। एन नाइट्रोजन पी पोटाशियम और के जो है ना ये क्या है के सॉरी पी जो है ना ये के जो है ना ये क्या है पोटाशियम है, और पी जो है ना ये क्या है फास्फोरस। तो फ्रेंड ये आप लोग देख सकते हैं, कहीं से भी आप लोग इसको सर्च कर ले। तो द थ्री एलिमेंट्स नीड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर एन पी एंड के, नाइट्रोजन,
फास्फोरस एंड पोटाशियम, ये तीन एलिमेंट जो है ना हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्लॉक्स विच मूव्स विद द वेलोसिटी इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट रन्स, तो इसमें ऑप्शन डी आता है विद जीरो वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैक्स प्लैंक रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ, तो इसमें ऑप्शन बी आता है एनर्जी क्वांटा। तो ये एक साइंसदान था मैक्स प्लैंक जिसको किया मिला था नोबल प्राइज मिला था फिजिक्स में इन 1918 में। किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए इसको मिला था नोबल प्राइज, तो एनर्जी क्वांटा की डिस्कवरी के लिए इसको नोबल प्राइज मिला था 1918 में, तो इसमें ऑप्शन बी आता है एनर्जी क्वांटा। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रॉन्ज मेडल, चांदी का जो मेडल होता है इज मेड अप ऑफ अ मेटल, मतलब जो ओलंपिक्स में दिए जाते हैं ना जो ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं ना जो खिलाड़ियों को, तो वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी आता है कॉपर एंड टीन। क्वेश्चन नंबर 89 है, एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ, एडिसन एक डिजीज़ है किस वजह से कॉज होती है एक्सेसिव मतलब ज़्यादा सिक्रीशन ऑफ, तो इसमें ऑप्शन डी आता है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तो ये एक हार्मोन है जिसके एक्सेसिव सिक्रीशन से एडिसन्स बीमारी जो है ना इंसान में कॉज होती है। हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ह्यूमन हमिंग बर्ड बिलोंग टू अ कैटेगरी, तो फ्रेंड हमिंग बर्ड जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, तो ये कौन से कैटेगरी में आता है, एंडोथर्म में आता है, मतलब ये जो है ना अंदर से हीट प्रोड्यूस कर सकता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो ये क्या है, एंडोथर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज इन न्यूक्लियर बम, तो इसमें ऑप्शन ए आता है 19U35। क्वेश्चन नंबर 92 है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटेस्ट इन डेवलपमेंट कंट्रीज बिकॉज, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट कंट्री मतलब जो डेवलपमेंट कंट्रीज है ना जिसने तरक्की की होती है वो कंट्री में जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट है, तो वो क्यों है, तो इसमें ऑप्शन ए आता है द बर्थ रेट इज़ हायर इन डेवलपमेंट कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पर जो बर्थ रेट है ना डेवलपमेंट कंट्रीज में वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ग्रेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच वुड रॉ मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प, तो इसमें ऑप्शन बी आता है पोपलर इसमें आता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल अबाउट 95%, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ना उसमें अल्कोहल कितने परसेंट मौजूद होता है, तो इसमें 95 आता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट एबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, तो इसमें ऑप्शन बी आता है रेडियम, रेडियम जो है ना ये अर्थ क्रस्ट पर जो है ना ज़्यादा मौजूद नहीं है, ये एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 96 द फेमस बुक अलकानून वॉज रिटन बाई मुस्लिम साइंटिस्ट, फेमस बुक अलकानून कौन से मुस्लिम साइंसदान ने लिखी थी, तो इसमें ऑप्शन ए आता है अबू अली सीना, अबू अली सीना ने क्या लिखी थी या कौन सी बुक लिखी थी, अलकानून। क्वेश्चन नंबर 97 है, बेसिक मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, बेसिक मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में किसके जरिए, तो इसमें ऑप्शन सी आता है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 98 है, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो इसमें ऑप्शन सी आता है लेंथ, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का। क्वेश्चन नंबर 99 है, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज, तो अर्थ का जो ओजोन लेयर है उसका एक फंक्शन किया है, तो इसमें ऑप्शन बी आता है फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब ओजोन लेयर जो है ना वो फिल्टर करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को, और उसको जो है ना उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पर्सन विद द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर टू बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो इसमें ऑप्शन सी आता है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप होना तो वो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब हर जो ब्लड ग्रुप है ना
तो वो क्या कर सकता है, वो रिसीव करता है कर सकता है, चाहे वो ए ग्रुप ए ब्लड ग्रुप हो, बी ब्लड ग्रुप हो, ए बी ब्लड ग्रुप हो, तो जो है ना ये क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है जब उसको ज़रूरत हो। तो क्या है, यूनिवर्सल रेसिपियंट है। और जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्या है, वो ओ पॉजिटिव, ओ जो ग्रुप है ना, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, क्या है ये यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है। तो फ्रेंड्स ये हो गए 100 MCQs। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से स्टार्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत शेयर किया हो तो प्लीज़ आप लोग का कमेंट्स कर सकते हो कि आपने ये क्वेश्चन सही जो है ना शेयर नहीं किया है, इसको करेक्ट कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।